हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ अपना छोटा सा हॉल शेयर किया जाए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, द थिंग्स दैट आई यूज फॉर माय मेकअप एंड एवरीथिंग लाइक आईज, लिप्स एंड फेस अलॉन्ग विद सम फ्रेग्रेंसेस। आई होप यू वुड एंजॉय इट। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, वाइल सब्सक्राइबिंग माई चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स रिमेंबर टू क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल जस्ट on the right side of the subscribe button so that you get notified whenever I post my new videos, because I'll be sharing my more exciting videos on the vlog channel. So please tune into that, and I hope you would enjoy my vlog of this makeup collection. So like it, share it and subscribe to my channel. So let's begin it out. So friends, beginning further, सबसे पहले मैं start करती हूँ facial प्रोडक्ट से। सो एप्लीकेशन ऑफ द मेकअप, आई बेसिकली यूज़, सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स प्राइमर। सो प्राइमर जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये रिमल लंडन का स्टे मैट प्राइमर है, ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर गिविंग द बेस टू माई फेस। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज सो फार। सो ये बहुत अच्छा सा टेक्स्चर दे देता है आपकी स्किन को एंड काफ़ी अच्छी फ्लॉलेसनेस दे देता है, जिसके कारण आप इजीली अपना मेकअप आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फेस पाउडर आई बेसिकली यूज़ द फाउंडेशन ऑन माई स्किन। सो द डिफरेंट कलेक्शन ऑफ द फेस फाउंडेशंस विच आई हैव इज दिस कवरगर्ल क्लीन फाउंडेशन विच आई यूज इट अलॉन्ग विद दैट Covergirl face powder. The color that is being used here is the buff peach. And friends, I'm not endorsing any of the products. These products are exclusively my choices. I hope you would like it. So another foundation that I have is the Maybelline Dream Satin Silk foundation. And this one, the Faces Go Chic Canada foundation. After this, I prefer to use a concealer to remove all the dark spots which are present just beneath the eyes, and just removing all the black spots which are present on the skin. So this is the Rimmel London stay matte concealer, and you can see the shade. So you want to add some sharpness to your skin, so I basically use Maybelline super stay matte. It's a multi-usage foundation and it is of this color, dark brown color. Friends, I have two different kinds of the eyeshadow. So ये friends है Nicole Miller New York का shade है friends, ये this is very nice और काफ़ी अच्छा glowy shine highlighter का काम कर देता है ये eyes पे। Shimmer है वो ये वाला है, ये भी Nicole Miller का ही है New York का। So friends, eyeshadow that I have is this one that I got it from India. And this having different shades, basically eyeliners. So friends, I would recommend to use कि आप लोग अगर try करें, अगर आप लोग India में रह रहे हैं तो faces का जरूर try कीजिएगा magnet eyes eyeliner. This is really good waterproof eyeliner. ये जो मैंने apply कर रखा है वो है Covergirl का ये eyeliner. This is really nice. Eyeliner definition के लिए use करती हूँ. So different shades हैं friends मेरे पास. Basically मैं जो use करती हूँ वो है एसेंस की। एसेंस काजल इज़ वन ऑफ द बेस्ट काजल दैट आई हैव यूज सो फार। ये बिल्कुल भी स्मच नहीं। कलर्स जो मेरे पास अभी हैं एसेंस के वो है ये ब्लैक कलर, दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग एसेंस। अनदर वन इज दिस डार्क ब्राउन, आई होप यू आर एबल टू सी। एंड द थर्ड वन दैट आई गॉट इज दिस लाइट ब्लू कलर दैट आई हैव ऑलरेडी शोड यू इन वन ऑफ माई व्लॉग्स वाइल शोइंग माई ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट हॉल। मैं आपको काजल दिखा रही हूँ अपनी आंखों में लगाने के लिए, वो है एनाबेल का, ये भी मैं आपको उस व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, और ये डार्क ग्रीन कलर है। आजकल ट्रेंड में चल रहा है वाइट काजल, सो ये कुओ का है वाइट काजल, इट्स रियली नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर डिफाइनिंग माई आईब्रोज व्हाट आई यूज इज दिस एब्सोल्यूट न्यूयॉर्क 2-in-1 परफेक्ट ब्रो परफेक्टर। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से आपकी ब्रोज को डिफाइन कर देता है, एंड ये काफ़ी इसके साथ आपको एक छोटा सा जेल भी मिलता है, जिसके कारण आप ब्रश में इसे ले सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं अपने आईज को डिफाइन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ ही आपको ये 2-in-1 है एक्चुअली, तो आप इससे भी अपनी आईब्रोज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द लाइट ब्राउन कलर, क्योंकि लाइट ब्राउन कलर जो अगर आप यूज़ करते हैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा सा आपको नेचुरल लुक देता है। अनदर थिंग दैट आई यूज़ फॉर माई आईज़
are the different mascaras. So the mascaras I basically use for the daily wear. I generally use this Colossal Volume Express. This is the Maybelline product. Is this one Maybelline? ये मैं आपको daily usage का बता रही हूँ. The Hyper Curl Volume Express. और जो special occasions वगैरह पे मैं ये जो use करती हूँ वो है the Rimmel London. Rimmel London के products मेरे फेवरेट हैं. फ्रेंड्स अब आगे मूव करते हैं. अब आपको दिखाते हैं लिपस्टिक कलेक्शन. सो एक जो लिपस्टिक का कलर है वो है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक्स जो मेरे पास हैं फ्रेंड्स. तो ये है डिफरेंट कलर्स. सो ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश कलर है एंड ये थोड़ा सा डार्क पिंकिश कलर है. और ये वाला जो कलर है बेसिकली जो मैंने अभी अप्लाई कर रखा है. एंड ये जो मेकअप का कलर है इसका नंबर है 680 जो मैंने अभी करंटली अप्लाई कर रखा है मेबेलिन का. अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा 680. बहुत ही अच्छा कलर है, प्रिटी कलर है, अभी मैंने अप्लाई कर रखा है. अनदर कलर इज 665 जो मैंने 5th of April 2020 को जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये वाली लिपस्टिक का कलर यूज़ किया था. सो फ्रेंड्स ये है मेरे पास दो मेबेलिन की लिपस्टिक्स. नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ रेवलॉन की लिपस्टिक्स जो मेरे पास हैं इस वक्त. रेवलॉन की मेरे पास 3 डिफरेंट लिपस्टिक्स हैं फ्रेंड्स. एक तो है मेरे पास इंक क्रेयॉन 730 नंबर. ये काफ़ी अच्छा कलर है. ये थोड़ा सा ये शिमरी है, ये शिमरी पिंक है. ये जो मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे वो थोड़े मैट फिनिश है, ये शिमरी है, काफ़ी अच्छा शाइनिंग लुक देता है. अनदर लिपस्टिक जो मैं आपको दिखाती हूँ रेवलॉन की ही, वो है थोड़ी सी पर्पलिश कलर शेड है ये वाला. एंड इसका नंबर है 056. ये भी बहुत अच्छा कलर है रेवलॉन का. यू कैन गो फॉर दिस वन टू, दिस इज़ रियली नाइस रेवलॉन. अनदर लिपस्टिक दैट आई एम यूजिंग इज दिस मैरूनिश कलर. ये 046 नंबर है फ्रेंड्स रेवलॉन का. और इस लिपस्टिक में भी शिमर है. अगर आप मैरून कलर, अगर आपको शिमरी चाहिए तो इस काफ़ी अच्छा सा इससे भी लुक आता है. अनदर लिपस्टिक फ्रेंड्स जो मेरे पास हैं वो है फेसेस कनाडा की. फेसेस कनाडा की ये दो लिपस्टिक्स मैंने फ्रेंड्स इंडिया से परचेज करी थी. एंड दिस वन इज़ द पिंक प्ले पिंक कलर. और ये काफ़ी अच्छा मैटी लिपस्टिक है. दिस इज पिंक कलर. एंड अनदर वन इज़ दिस रेडिश कलर. एंड ये भी इसका नंबर है 02 फायर क्रैकर. और ये भी बहुत अच्छा कलर शेड है. एंड फ्रेंड्स मेबेलिन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो है सुपर स्टे इंक क्रेयॉन. मेरे को बहुत पसंद आया इंक क्रेयॉन जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मेबेलिन ने, इंक क्रेयॉन सुपर स्टे. एंड दिस कलर इज़ हसल ऑन हील्स. और ये बहुत अच्छा रस्ट कलर है, तो ये भी बहुत अच्छा कलर है. और ये सुपर स्टे इंक क्रेयॉन जो मेबेलिन ने निकाला है, प्लीज़ गो फॉर दिस वन. आई रियली अप्रिशिएट दिस कलर, दिस इज़ रियली नाइस. एंड ये तो मेरा छोटा सा है लिपस्टिक कलेक्शन फ्रॉम मेबेलिन एंड रेवलॉन. एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. और फेसेस कनाडा का मैं आपको दिखा चुकी हूँ, फिर दिखाते हैं रिमल का. रिमल तो आपको पता है मेरा फेवरेट ब्रांड है. एंड रिमल में मेरे पास हैं 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ लिपस्टिक्स. तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ 810 और ये मैट मैरूनिश कलर है रिमल की. एंड ये बहुत ही लाइट पिंकिश कलर है रिमल में 104. बहुत ही लाइट कलर है, जैसे अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे होते हैं या फिर जॉब इंटरव्यूज़ में जा रहे हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा लाइट कलर है. दिस इज़ 104 नंबर ऑफ रिमल लंडन. दिस इज़ द केट, बेसिकली वर्जन ऑफ केट. रिमल का जो केट ब्रांड है उसका वर्जन है ये. अनदर वन इज़ दिस वन. ये बहुत ही अच्छा ग्लॉसी ग्लॉसी लिपस्टिक है. एंड इट्स नंबर इज़ 130 बस. एंड ये भी रिमल लंडन का ही कलेक्शन है. आई रियली लव प्रोडक्ट्स ऑफ रिमल लंडन. सो फ्रेंड्स एक और जो लिपस्टिक मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है सफोरा की. ये सफोरा की लेबरिंथ सिटी है. सफोरा तो वैसे भी आपको पता है इंडिया में भी ओपन हो चुका है. और वहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो तो एक बहुत ही अच्छा मैटी कलर की लिपस्टिक है ब्राउन कलर की. एंड ये बहुत अच्छी है और काफ़ी देर तक ये रहती है, बिल्कुल स्मच नहीं होती है. एंड दिस वन इज़ रियली नाइस, आप ट्राई कर सकते हैं. ब्राउन कलर है ये और सफोरा का. दिस इज़ रियली नाइस लिपस्टिक आई हैव यूज सो फार. अनदर लिपस्टिक मैं आपको दिखाती हूँ वो है एसेंस की. मैंने अभी जस्ट परचेज करी है एंड इट्स ओके. आई डिडंट लाइक दैट मच बट इट्स फाइन. बट इट्स अ लाइट ब्राउन कलर, ठीक है, मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलती बट इट्स नाइस सिंपल ओके लुक लाइट ब्राउन कलर. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सुपर स्टे मैटिंग ऑफ मेबेलिन. ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. ये भी रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है मेबेलिन का, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं. दिस इज एस्केपिस्ट एंड 45 नंबर. दैट्स ओके बट ये काफ़ी ज़्यादा मैट होता है. बट ये मैं
परचेज जब किया था ये काफ़ी मुझे उस वक्त थोड़ा लाइट पर्पलिश कलर चाहिए था. आई होप मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पर्पलिश लाइट में जाएगा बट ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश लुक भी देता तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया तो आई डोंट यूज़ दैट मच. बट अगर आप दूसरे शेड्स बट इसका जो मैटी टेक्स्चर है रियली नाइस तो वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप डिफरेंट शेड्स में लेना चाहते हैं. बट ये थोड़ा सा ब्लैकिश लुक दे देता है तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसको. तो दिस इज सुपर स्टे मैट इन मेबेलिन. मैटिंग के साथ साथ मैंने एक और परचेज़ करी थी वो है एलमे की ग्लोई शिमरी लिपस्टिक है. ये US का ब्रांड है एंड ये भी मुझे बहुत पसंद आया और ये काफ़ी अच्छा है. ये लिप्स को काफ़ी अच्छा नेचुरल एंड न्यूट लुक देता है विथ अ लिटिल टिंच ऑफ शिमर एलमे. एंड इसका नंबर है फ्रेंड्स 260 स्किप द जिम. ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. ये पार्टी वेयर है काफ़ी अच्छा शिमरी लुक देता है. तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेग्रेंसेस जो मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ. ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ अरोमा थेरेपी का थैंकफुल बहुत ही अच्छा इसका भी फ्रेग्रेंस है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. वो है विंटर कैंडी एप्पल. अब तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स इंडिया में भी ओपन हो चुका है तो फ्रेंड्स आप इनकी फ्रेग्रेंसेस जरूर ट्राई कीजिए. ट्रस्ट मी इट्स रियली नाइस आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग रहती है. बटर क्रीम एंड ये ब्रिटिश रोज़ की है. ये तो बेस्ट है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेग्रेंस में जाते हैं बॉडी लोशन पे. तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ट्विस्टेड पेपरमिंट. बहुत ही अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस है और ये काफ़ी अच्छे मिंटी स्मेल देता है तो मुझे बहुत पसंद है ये. तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ करा ये वाला. अनदर वन इज़ द विक्टोरिया सीक्रेट लव स्पेल फ्रेग्रेंस. ये फ्रेग्रेंस जो है मेरे पास विद अलॉन्ग विद परफ्यूम है ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया सीक्रेट्स का और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. दिस इज़ बॉडी लोशन एंड दिस वन इज़ द फ्रेग्रेंस अमेजिंग है. नेक्स्ट मैं जो परचेज किया है वो है बाथ एंड बॉडी वर्क से ही फ्रेग्रेंस मैंने परचेज करी है एंड दिस वन इज़ अ मिस्ट परफ्यूम और ये है इन द सन. ये बहुत ही अच्छा है. तो ये तो मेरा है छोटा सा बॉडी बटर्स एंड क्रीम्स का कलेक्शन अलॉन्ग विद बॉडी लोशंस. एंड फ्रेंड्स जो बेसिकली परफ्यूम्स की बात करें तो परफ्यूम्स बेसिकली मैं परचेज नहीं करती मेरे हस्बैंड परचेज करते हैं. सो उनका जो सेंस ऑफ फ्रेग्रेंसेस बोल सकते हैं वो बहुत ही अच्छी है तो वो ही बाय करते हैं. तो उन्होंने एक मेरे लिए बाय करा था ये बियॉन्से हीट का परफ्यूम. कितनी क्यूट सी बॉटल आप देख सकते हैं एंड इट्स फ्रेग्रेंस इज सो चेरिशिंग. आई रियली लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम. तो अगर आप इंडिया में हैं या फिर आप कैनेडा में हैं तो प्लीज़ डू ट्राई दिस फ्रेग्रेंस. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस आई हैव यूज सो फार और काफ़ी अच्छे मतलब बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है एंड नाइस और काफ़ी अच्छा परफ्यूम है ये जो मैंने अभी तक यूज़ करा है. अनदर फ्रेग्रेंस जो मेरे हस्बैंड ने परचेज करी मेरे लिए वो है कैल्विन क्लीन का इन टू यू. ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है अगर आप लोग किसी फंक्शंस वगैरह में जा रहे हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं. इसकी जो फ्रेग्रेंस है लिटल बिट स्ट्रॉन्ग है बट इट्स रियली अमेजिंग एंड पार्टी वगैरह में जाने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है जो मैंने अभी तक यूज़ करा है सो फार. सो परफ्यूम्स तो मेरे हस्बैंड ही खरीदते हैं मैं जनरली बाय नहीं करती क्योंकि उनकी सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन गो फर्दर ऑन टू द नेल कलर्स. तो आई हैव अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ द नेल कलर्स मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा तो देखिए. सो फ्रेंड्स ये एक मेरा छोटा सा हॉल था ब्यूटी मेकअप कलेक्शन का. फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी भी लिपस्टिक का या फिर किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का आपको इन्फो लेनी हो तो प्लीज़ डू कमेंट इट ऑन माय कमेंट बॉक्स तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि कौन सा नंबर का कौन सा प्रोडक्ट है तो आप भी इजीली परचेज कर सकते हैं. आई होप ये आपको मेरा छोटा सा कलेक्शन ऑफ ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स का अच्छा लगा होगा. प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग I would be posting more interesting vlogs. तो please आप मेरे channel को जल्दी से जल्दी subscribe कीजिए like कीजिए ये तो और notification bell please friends ज़रूर click कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरा vlog कब आएगा क्योंकि मैं बहुत ही interesting vlogs डालने वाली हूँ अपने channel पे. तो आप I hope you would enjoy it and so friends मिलते हैं आपसे बहुत जल्द next vlog में. till then take care see you goodbye.